गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम गांव से निकल गए, अभी जाएंगे हम चोपता, तुंगनाथ और देवरिया ताल। तो पहले हम जाएंगे देवरिया ताल, उसके बाद आगे देखेंगे कितना टाइम और लगता है, तो तुंगनाथ जाने की कोशिश करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अब अभी हम निकल गए हैं घर से। तो अपनी बाइक पार्क है पार्किंग में यहाँ पे, तो इधर से बाइक लेने के बाद देवरिया ताल के लिए जाएंगे। सारी गांव तक हमको जाना पड़ेगा, तो सारी से आगे ट्रैक स्टार्ट होता है देवरिया ताल का। तो अपनी बाइक इधर खड़ी है, अपनी धनुली, ये रही अपनी बाइक। तो आज इसमें जाएंगे हम सारी गांव तक, वहां से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा अभी। तो अभी चलते हैं फिर। अभी हम मंडल से 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। आप ये पीछे देख सकते हो, ये मंडल का व्यू आ रहा है बहुत तगड़ा। यहाँ से पीछे ये मंडल है और ये बालकिला नदी है जो जा रही है। तो अभी यहाँ से 15 किलोमीटर और बचा है चोपता, और चोपता से आगे जाएंगे हम आपका गुप्तकाशी, गुप्तकाशी वाली रोड पे। तो वहाँ से सारी के लिए अलग रोड कटती है, फिर सारी के लिए जाएंगे हम वहाँ से। तो सारी से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा देवरिया ताल के लिए। तो देवरिया ताल जो है कि बहुत प्यारी लेक है ऊपर हिमालय में बसी हुई। तो अभी चलते हैं फिर आगे, काफ़ी टाइम हो गया है हमें, अभी यहाँ पे 9 बजने वाला है। तो अभी हम निकलते हैं इधर से। पीछे कुछ ऐसा सीन है, बहुत सही व्यू आ रहा है इधर से जंगल का, और ये पीछे के पहाड़ों का बहुत मस्त सा। तो ये चोपता के रास्ते में हम अभी, यहाँ से चोपता 5 किलोमीटर और रह गया है। तो यहाँ से बहुत प्यारे सीन आ रहे हैं। अभी आगे चोपता में और प्यारे सीन है, चोपता से आगे भी अच्छे सीन है। तो अभी चलते हैं इधर से। ये पीछे है पूरी खाई, अभी मैं हूँ कोने पे यहाँ पे, यहाँ से नीचे पूरी खाई है, और ये पीछे है जंगल, बहुत हरा भरा सा जंगल। और इस साइड को तो रोड भी है, ये हल्की फुल्की दिख रही होगी बीच बीच में। तो इस साइड को रोड भी है, ये रोड जिससे हम आए हैं वो रोड है, और ये पीछे का पूरा जंगल, बहुत प्यारा सा जंगल आ रहा है। तो अभी चलते हैं फिर चोपता, सीन ही ऐसे आ जा रहे हैं, बार बार रुकना पड़ रहा है, अभी चोपता में ही रुकेंगे डायरेक्ट। अभी है चोपता में, और यहाँ के कुछ ऐसे सीन है। ये पीछे है चोपता से दिखती हुई बहुत प्यारी सी वादी, पीछे पूरा सही सीन आ रहा है। चोपता में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई है, बहुत ज़्यादा पार्किंग है, तो यहाँ पे जाम भी लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा।
यहाँ पे यात्रा सीजन चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूट में पड़ता है, चोपता बीच में। तो यहाँ पे बहुत प्यारे सीन आते हैं, तो इसलिए लोग बहुत रुकते हैं यहाँ पे। तुंगनाथ की वजह से भी लोग रुकते हैं, तुंगनाथ का ट्रैक है यहाँ से 4 किलोमीटर का, तो यहाँ से तुंगनाथ भी जाते हैं लोग। तो अभी हम चलते हैं सारी गाँव की तरफ, हमें जाना है देवरिया ताल। तो अगर आते टाइम हुआ तो हम तुंगनाथ तक जाएंगे, अभी चलते हैं सारी गाँव तक। आई विल कीप यू पोस्टिंग। तो अभी हम सारी गांव में पहुंच चुके हैं, ये पीछे पार्किंग है, यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है। तो अभी यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा ऊपर देवरिया ताल के लिए, तो यहाँ से लग जाएगा 1-1.5 घंटा देवरिया ताल का। तो ऊपर रास्ते में तगड़े सीन आएंगे। और यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा, ये रहा मेन गेट। तो सारी से अभी ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, 2.5 किलोमीटर का है देवरिया ताल तक। तो थोड़ा सा चढ़ाई है पर ज़्यादा खतरनाक है नहीं, 1 घंटे में हो जाएगी। तो अभी चलते हैं ऊपर, पहुँचते हैं आराम से। कुछ इस तरीके का रास्ता है यहाँ पे, पत्थरों से बना हुआ नुकीला सा रास्ता तो अच्छा बना है। यह है अपने साथ ट्रैक कर रहे हैं भाई अक्षय। तो ये नीचे दिख रहा है सारी गांव है, ये पूरा नीचे दिख रहा है सारी गांव। तो अभी ये भी हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं, इनका नाम है अंशु। तो ये नीचे रहा अपना पूरा सारी गांव, तो वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट हुआ। तो अभी हम 1 किलोमीटर करीब चल चुके हैं, 1.5 किलोमीटर और बचा होगा यहाँ से, तो आधा 15-20 मिनट और लग जाएगा। अपने साथ बंदे सही है, स्पीड सही आ रही है, तो मिलते हैं फिर। तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है, 1 किलोमीटर और बचा है अभी। आधे घंटे के ट्रैक के बाद अभी पहुंचने वाले हैं, पूरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया, तो आ ही गया, बस 200 मीटर रह गया। तो अभी देवरिया ताल पहुंच गए हम, ये रहा पीछे पूरा ताल, बहुत सुंदर ताल, और ये उसके पीछे हिमालय की चोटियां भी दिख रही है। तो अभी हम देवरिया ताल पहुंच गए हैं, 10-15 मिनट इधर घूम के वापस जाएंगे, अभी तुंगनाथ भी जाना है, सो लेट्स एंजॉय द सीन।
तो अभी देवरिया ताल से वापस निकल गए, अभी यहाँ से नीचे 15-20 मिनट लगेंगे रोड पे पहुँचने में। उसके बाद हम जाएंगे चोपता वापस, और चोपता से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा तुंगनाथ के लिए। तो तुंगनाथ जाएंगे हम, वो 4 किलोमीटर का ट्रैक है, बढ़िया ट्रैक है वो भी। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। तो अभी सारी हम पहुंचने वाले हैं, लगभग पहुंच गए हैं सारी, ये घर आने लगे हैं सारी के। तो हमको टोटल ट्रैक में 2 घंटे लगे ऊपर जाने में, थोड़ा घूमने में और वापस आने में। तो सही कवर कर दिया हमने 2 घंटे। तो हम 10-11 बजे चले थे, पर लगभग 1 बजने वाला है, 10 मिनट अभी बाकी है और हम 1 बजे तक नीचे पहुँच जाएंगे, 1 बजे से पहले ही। तो 2 घंटे में सही निकाल दिया। तो अभी हम चलेंगे चोपता, वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होगा तुंगनाथ के लिए। तो अभी तुंगनाथ जाएंगे और चंद्रशिला भी जा सकते हैं अगर टाइम लग गया। तो आई विल कीप यू बोथ। और ये रहा तुंगनाथ का पूरा ट्रैक है जो।